यहाँ पर जो रिपोर्ट कहती है गैरेट डेवलपर की, वो ये कहती है कि अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो पिछले 12 महीनों में जो प्राइस है करीब 4.25% के आसपास बढ़ा है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी पिछले 6 महीनों में करीब 3% का जंप है, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए गैरेट साहब, वो ये रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ पर प्राइस जो है वो करीब 8% नीचे आए हैं। इसे कैसे समझाएंगे आप? इसमें जो नए प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, अगर वो थोड़े बाहर के एरिया में, आउटस्कर्ट्स में अगर आ गए, तो वहां आउटस्कर्ट्स का एरिया ऑटोमेटिकली कम होता है। तो दैट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ अ ड्रॉप इन द मार्केट। जो प्राइस, जो अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बढ़त हो रही है, वो अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के नए फेज को देखें, तो उसमें अगर उसमें से आपको मार्केट का प्राइस का ट्रेंड निकल आता है। इसीलिए हमने इसको इस बार हमने उसको सेग्रीगेट करके दिखाया है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े कम दाम में बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां प्राइस बढ़ चुके हैं। इसके अलावा, क्योंकि आपका होम साइज पे भी आपकी रिपोर्ट कमेंट करती है, अफोर्डेबिलिटी की बात आपने पहले हमसे की कि अब लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी है, ये घरों के साइज पर भी बात कर रही है, तो उसमें आपका एक ऑब्जर्वेशन क्या रहा है सर? तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन यही है कि गए 3 साल में ईयर ऑन ईयर जो घर के जो एवरेज साइजेस जो लॉन्च हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ 930 स्क्वायर फुट पे एवरेज आ चुका है, जो कम से कम जो 3 साल पहले 800 से थोड़ा कम था। तो देर इज बिन अ 12-15% इंक्रीज इन द एवरेज होम साइजेस एज वेल। और ये अफोर्डेबिलिटी के वजह से लोग बड़े घर खरीदना चाहते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ चुकी है, और उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो आउटकम है, वो डेवलपर्स प्रीमियम हाउसिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं और होम के साइजेस बढ़ चुके हैं उसके वजह से। पंकज साहब, क्या ये भी एक ट्रेंड है, आपकी भी पकड़ में आता है कि अब लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक में जो कुछ उन्होंने देखा, और हमने पहले भी इसकी बातचीत की कि शायद थोड़ा मतलब अगर अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ती है, प्राइजेस अगर वही है, तो लोग एक बड़े घर को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन कि वो छोटे घर पे कंप्रोमाइज कर ले, मतलब खींचतान के सही, लेकिन कोशिश उनकी हो रही है कि बड़े घर की तरफ जाएं। से एक ट्रेंड रहा है कि हर आदमी को ज्यादा स्पेस चाहिए, हालांकि उनकी अफोर्डेबिलिटी बताती है कि वो किस घर में, किस साइज के घर में फिट हो सकते हैं। और पेंडेमिक ने सर्टेनली एक तरीके से पुश किया लोगों को, क्योंकि उन्हें स्पेस की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, उन्हें घर पे रहना है, घर पे काम करना है, बच्चे वहीं रहते हैं, तो उसको देखते हुए जो है स्पेस की रिक्वायरमेंट है। और एक और चीज है, पेंडेमिक के वक्त पे अगर आप देखिए तो फर्स्ट टाइम होम बायर से ज्यादा लोगों ने जो घर खरीदे वो अपग्रेडेशन डिमांड थी। तो जब भी अपग्रेडेशन डिमांड एक मार्केट को ड्राइव करती है, जहां घर एक पुराना घर बेच करके आदमी बड़ा घर खरीदने की कोशिश करता है, चाहे वो 1 BHK से 2 BHK या 2 BHK से 3 BHK, तो जब इस तरीके का माहौल होता है तो वहां स्पेस की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। और ये आपको बहुत दिखाई दिया, यही कारण था कि एक तो स्टैंप ड्यूटी का इंसेंटिव प्रीमियम हाउसिंग में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप लाखों में सेविंग करते हैं, करोड़ों में सेविंग करते हैं, तो हमेशा जो है प्रीमियम सेगमेंट, जब भी कोई बड़ा गवर्नमेंट इंसेंटिव आता है वहां पे तेजी आती है, प्लस अपग्रेडेशन डिमांड है, इसके लिए आपको साइज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आपके प्राइस में स्कोप है इंक्रीज का। हालांकि सारे बिल्डर्स कह रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रेस है मार्केट में, क्योंकि अगर आप पिछले साल के हिसाब से, 2020 के हिसाब से 2021 का क्यूमुलेटिव मार्केट देख लीजिए, तो ओवरऑल रेवेन्यू जो बिल्डर्स ने कमाया वो 30% कम है। तो प्रोजेक्ट्स के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कैश फ्लो के इश्यूज आ रहे हैं, बैंक का प्रेशर है, उनको वेलोसिटी मेंटेन करनी है, और अगर सेकेंड वेव का इम्पैक्ट वापस आ गया है, तो इसको देखते हुए जो आउटलुक है कि प्राइस ऊपर जा रहे हैं, और जो डेटा दिखा रहा है, डेटा एक्चुअली प्रोजेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि लोअर एंड पे ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए जहां प्राइस कम था, इसके लिए न्यू लॉन्चेस में कमी, और ओल्ड सप्लाई में इंक्रीज, इसके लिए लिख रहा है क्योंकि मार्केट में सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। बट एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर अगर आप देख लीजिए तो बिल्डर को आज डिस्काउंट देना पड़ रहा है टू सेल, एंड ये हम हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र मुंबई की बात है और पूना की बात है, बिल्डर बाध हैं टू इम्प्रूव देयर सेल्स वेलोसिटी। तो मेरा ये है कि
आउटलुक टुवर्ड्स द प्राइस इंक्रीज ये क्वेश्चनेबल है, और अगर वो स्पेकुलेटिव इंक्रीज होती है तो वो शायद ठीक नहीं रहेगी। एक और बात है कि अगर हम 9 साल पहले का अगर हमने सेल्स इस लास्ट क्वार्टर में अटेन किया, तो अगर हम कंपेयर करेंगे 9 साल पहले तब हमारी 40,000 यूनिट की इन्वेंट्री होती थी, आज इन्वेंट्री 1,40,000 यूनिट है। तो देन 3 गुना इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी है अगर सेल्स उस लेवल पे या उससे ज्यादा भी हो गई, बट ये नहीं दर्शाता है कि आपका आपका डिनोमिनेटर बहुत हैवी हो गया है, तो उसको सस्टेन करने के लिए आपको जी ठीक है। मुझे क्योंकि लगता है कि इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जिस पर हमेशा थोड़ा एक विवाद रहा, या कह लीजिए कि डिसएग्रीमेंट रहा, जहां पर थोड़े विचार अलग अलग जाते हैं एक्सपर्ट्स के और डेवलपर्स के एनीवे। लेकिन मैं कंक्लूड करने के लिए गैरव साहब आपसे पूछना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि अब आगे बढ़ते हुए देखिए दो वेव्स हम देख चुके हैं पैंडेमिक की, वैक्सीनेशन ड्राइव अपने फुल फ्लो पर है और तमाम चीज़ें हो रही हैं, तीसरी लहर की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है हमारी तैयारी इस बार पहले से काफ़ी बेहतर होगी और जो वैक्सीनेशन अब तक हो गया है वो भी हमारे लिए काफी सपोर्ट करेगा। तो यहां से आगे बढ़ते हुए जैसे पंकज जी ने कुछ देर पहले जिक्र भी किया कि वहां से अब ये पॉजिटिव ट्रेंड ही देख रहे हैं, आपका आउटलुक क्या कहता है कि यहां से आगे बढ़ते हुए अगले 2 क्वार्टर्स में पुणे मार्केट किस तरफ मूव करेगा? देखिए इसमें जो जो पंकज जी ने कहा कि जो डेवलपर लोगों की जो मुश्किलें हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूरे मार्केट और सब डेवलपर्स के लिए ऐसी बात नहीं है। जो एक साल पहले भी लोगों ने कहा था, इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ये के शेप रिकवरी होगी, और के शेप में जो कोई डेवलपर्स हैं जिनकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, दे विल हैव अ सर्वाइवल रिस्क, और वो देख रहे हैं हम, तो उनके लिए वो नीचे जा रहे हैं। और जो जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं जिनके यहाँ काम शुरू है, जहाँ जिनका कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अगर आप एक रिपोर्ट देखने जाएं तो लिस्टेड डेवलपर्स आर लुकिंग एट 2 या 3 गुना अगले 2-3 साल में वो अपना स्केल बढ़ाने की वो डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्लियरली जो आगे देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं, जिनके पास कैश फ्लोज हैं, जहां काम शुरू है, जहां सेल्स हो रहे हैं, दे विल डेफिनेटली गेट स्ट्रॉन्गर, और जो वीक है वहां मुश्किल होगी। तो इस सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके जो दर्शक है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहां खरीदें, जहां काम शुरू है, जहां सेल्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो चुके हैं, जहां डेवलपर का रेप्यूटेशन है, वहीं खरीदें। नहीं तो जाके अगर कुछ रेडी इन्वेंट्री या रीसेल में खरीदें, दैट इज प्रोबेबली बेटर। बट आवर बिलीफ इज जो स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स है उनके देयर आर वेरी वेरी पॉजिटिव डेज अहेड, और जो वीक है उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा डाइवर्जेंस आगे दिखने को ये थोड़ा बढ़ जाएगा, डाइवर्जेंस जो है। राइट चलिए, तो बहुत ही मुझे लगता है बढ़िया डिस्कशन, और यही मजेदार होता है जब गैरा साहब आते हैं और पंकज जी भी हमारे साथ में होते हैं, तो एक बड़ा जिसे मैं कहूँ ऑनेस्ट डिस्कशन यहाँ पे होता है। दोनों अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, दोनों सांख्यिकी यानी कि आंकड़ों के साथ अपनी बातों को रखते हैं, और हम एक बढ़िया शानदार व्यूज देखते हैं। कुछ जगह डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कुछ जगह चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बढ़िया पिक्चर क्रिएट करने में ज़रूर मदद मिलती है जो क्लोज टू रियल होती है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हर लिहाज से चीज़ें बेहतर हो, देश में स्वास्थ्य का भी जो पूरा मामला है ये ठीक हो, कोरोना की इस तकलीफ से हम जल्द बाहर निकलें, वैक्सीनेशन की प्रोसेस तेज़ हो और सारी चीज़ें जल्द से जल्द पटरी पर आती हुई दिखें। उसमें से रियल एस्टेट भी एक है, क्योंकि ये और भी कई सेक्टर्स को अपने साथ में लेकर चलता है। जहाँ तक पुणे की बात है, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि बड़ा ही शानदार स्टेबल मार्केट हमेशा इस पर नज़र रहती है, और खुशी की बात यह है कि पैंडेमिक के दौरान भी इसने अपने इस करेक्टरिस्टिक को बना के रखा है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो देश के हर मार्केट में हुई है, तो ये भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन मोर और लेस इसने अपने आप को अपनी उस ड्राइव को बनाया हुआ है और एक बेहतरीन रियल एस्टेट मार्केट के तौर पे खड़ा हुआ है। जो वर्ड ऑफ कॉशन पंकज जी भी देते हैं, गेरा साहब ने भी दिया कि हाँ आपको रेडी इन्वेंट्री की तरफ मूव करना चाहिए, आपको बढ़िया नाम की तरफ मूव करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय कोई डर ना रहे। रेरा भी आपकी मदद के लिए मौजूद है, तो उसकी वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल हर प्रोजेक्ट के बारे में मिल ही जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ से हम चीज़ों को बेहतर होता हुआ देखेंगे, यहां से हम चीजों को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट भी कोई अपना चेंज लेकर आए, कोई इंसेंटिव फिर से देने की कोशिश करे, तो शायद एक नया कैटलिस्ट मार्केट को मिले। लेकिन बावजूद उसके लोग अहमियत समझते हैं कि घर में सेफ्टी और सुरक्षा की, जो नया माहौल है उसके अंतर्गत भी, और उन्हीं सारे डायनामिक्स को लेकर मार्केट भी रिएक्ट करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर बातचीत करने में आज बहुत कुछ अच्छा लगा, और हमें लगता है दर्शकों को भी एक बढ़िया आउटलुक मार्केट का मिल गया होगा, जो उन्हें काफी काम